Hello guys, welcome back to our channel MBA Wala, and in today's video we will be discussing about best MBA colleges with lowest fees. अगर आप एक MBA aspirant हैं जिसने CAT या किसी और exam में बहुत अच्छा score किया है, या फिर आप अभी preparation कर रहे हैं और आपको पूरा भरोसा है कि आप अच्छा score कर सकते हैं और आप एक ऐसे college की तलाश में हैं जहाँ की fees बहुत कम हो और वहाँ का placement बहुत अच्छा हो, जहाँ exposure अच्छा मिले, तो आज का ये video बिल्कुल आपके लिए है. अगर आप हमारे channel में नए हैं तो आप इसे subscribe कीजिए और press कीजिए bell icon for more videos like this. हमारे पास ऐसे बहुत बच्चों की queries आती है, उनके questions होते हैं, उनके comment आते हैं कि क्या ऐसे colleges इंडिया में हैं जहाँ की fees कम हो और वहाँ का placement अच्छा हो, क्योंकि उनका score तो already अच्छा होता है. तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे colleges हैं इंडिया में जहाँ की fees बहुत कम है MBA के लिए, पर वहाँ के placement अच्छा होते हैं. तो आज हम शुरू करेंगे उन्हीं कॉलेज से. सबसे पहले हमारे पास है फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट दिल्ली. ये कॉलेज दिल्ली के टॉप मोस्ट कॉलेज में से एक है और साथ ही साथ इंडिया के टॉप 20 स्कूल्स में से एक है. इसकी फीस 2 लाख रुपए है और यहाँ का एवरेज प्लेसमेंट 25 लाख का होता है, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है. इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको कैट क्लियर करना पड़ेगा, जहाँ पे आपका परसेंटाइल 98+ होना चाहिए. दूसरे नंबर के कॉलेज की बात करें तो हमारे पास है जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट JBIMS मुंबई. हम सभी को पता है मुंबई एंड दिल्ली मैनेजमेंट हब ऑफ इंडिया कहलाते हैं. JBIMS को CEO हब ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इंडिया के टॉप मोस्ट कंपनी के CEO यहाँ के एलुमनाई होते हैं. यहाँ की फीस 6 लाख है और यहाँ का एवरेज प्लेसमेंट 22 लाख होता है. इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको MHCET यानी महाराष्ट्र CET या CMAT क्लियर करना पड़ता है. साथ ही अगर आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपका CV बहुत अच्छा है तो इस कॉलेज में आपके एडमिशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. अगला हमारा कॉलेज है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस. वैसे तो ये कॉलेज टॉप 8 स्कूल के नाम से जाना जाता है, बट अगर आपको HR MA इन HR करना है, जो कि MBA के बराबर ही होता है, इस डिग्री की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है. अगर आप MA इन HR करने में इंटरेस्टेड हैं तो ये कॉलेज भी आपके लिए है. इस कॉलेज की फीस है 1 लाख रुपए और यहाँ का एवरेज CTC जो है वो 22 लाख होता है. तो ये कॉलेज तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अंडर 5 लाख में अपना कॉलेज MBA करने के लिए देख रहे हैं. इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको TISS NET का एग्जाम देना पड़ता है, TISS NET, जो कि खुद कॉलेज का ही कॉन्डक्ट कराया हुआ एग्जाम होता है. नेक्स्ट वी हैव डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है. दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज से कौन नहीं पढ़ना चाहेगा. इसकी फीस है 25,000, जो कि 50,000 से भी कम है. अगर आप MBA करना चाहते हैं 50,000 से भी कम में, तो ये कॉलेज तो आपके लिए बहुत अच्छा है. इसका एवरेज CTC 10 से 12 लाख के बीच में होता है. यहाँ पे भी आपको एडमिशन लेने के लिए कैट क्लियर करना पड़ेगा, जहाँ पे आपका परसेंटाइल 95+ होना ही चाहिए. नेक्स्ट वी हैव दिल्ली स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड है. इसकी फीस 40,000 और इसका एवरेज प्लेसमेंट 10 लाख जाता है. इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भी आपको कैट क्लियर करना पड़ेगा, जहाँ पे आपका परसेंटाइल 95+ या 96 तक तो होना ही चाहिए. नेक्स्ट वी हैव सिडनम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज. ये कॉलेज भी मुंबई में है. इसकी फीस 2 लाख रुपए है और इसका एवरेज CTC 10 लाख जाता है. इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेने के लिए जो एग्ज़ाम क्लियर करना होगा वो है MHCET और CMAT. अगर आप इन दोनों एग्ज़ाम या इनमें से किसी एक एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स GBO दिल्ली यूनिवर्सिटी, अनदर ब्रिलियंट कॉलेज फ्रॉम दिल्ली. दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये एफिलिएटेड है और ये आपको इंटरनेशनल बिजनेस का पूरा नॉलेज प्रोवाइड कराता है. IIFT की तरह ये भी आपको फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस वहाँ का एक्सपोजर प्रोवाइड करने में पूरी हेल्प करता है. वैसे तो ये कॉलेज जाना जाता है अपने अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के लिए, बट अगर आप PGDM करना चाहेंगे या मास्टर्स करना चाहेंगे बिजनेस मैनेजमेंट में, तो आपके लिए कॉलेज बहुत अच्छा है. इस कॉलेज की फीस है 3.2 लाख रुपीज़ और इसका एवरेज CTC जो है वो 9 से 10 लाख रुपये के बीच में होता है. ये भी अपना खुद का ही एग्जाम कॉन्डक्ट कराते हैं, जिसका नाम है SRCC GBO एग्जाम. लास्ट वी हैव यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल USB, जो कि पंजाब में है. अगर आपको दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहर में नहीं जाना है पढ़ने, क्योंकि वहाँ का लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो आप चंडीगढ़ को एक ऑप्शन रख सकते हैं, क्योंकि ये पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है. तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा कॉलेज है, जिसकी फीस है 50,000 रुपीज़ और एवरेज CTC इसका 8 से 9 लाख के बीच में होता है. और यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको कैट क्लियर करना पड़ता है. तो ये सारे थे वो कॉलेज जिनकी फीस बहुत कम है और उनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई भी क्वेरी हो कॉलेज से रिलेटेड या MBA से रिलेटेड, तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए. थैंक यू.